तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप थ्री फेज समरसिबल स्टार्टर के अंदर ऑटो स्विच कनेक्शन करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा एलएनटी कंपनी का थ्री फेज ऑटो स्विच है। आप इसको थ्री फेज प्रिमेंटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रिमेंटर जैसा ही काम करता है। फ्रेंड्स, आप इस ऑटो स्विच को लगा के अपने इस स्टार्टर को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ कर सकते हैं, साथ ही फ्रेंड्स आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप इस ऑटो स्विच का यूज करेंगे तो उस टाइम में अगर आपके इस स्टार्टर को बराबर थ्री फेज सप्लाई नहीं मिलेगा, या अगर कोई भी फेज मिस हो जाएगा, या अगर फेस का रोटेशन उल्टा हो जाएगा, तो ये ऑटो स्विच आपके इस स्टार्टर को ऑपरेट नहीं करने देगा, चालू नहीं करने देगा, जिससे कि जो भी मोटर इस स्टार्टर से चल रहा होगा वो खराब होने से बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस ऑटो स्विच का कनेक्शन हम इस स्टार्टर में कैसे करेंगे, चलिए इस वीडियो में डिटेल से समझ लेते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी एलएनटी कंपनी की थ्री फेज समरसिबल स्टार्टर है, जिसका कि मॉडल नंबर MUG10 है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास किसी भी मॉडल का समरसिबल स्टार्टर है, कोई भी मॉडल है आपके स्टार्टर का, तो आप उसमें आसानी से ऑटो स्विच कनेक्शन कर सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, देखिए, जो हमारी ये स्टार्टर है, अगर हम इसमें बिना ऑटो स्विच लगाए, जो कि हमारी ये ऑटो स्विच है, अगर हम इसको इसमें कनेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम में हमारी स्टार्टर चालू हो रही है कि नहीं, सबसे पहले हम उसको एक बार देख ले रहे हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इसमें अपने सप्लाई को चालू करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारी सप्लाई तीनों फेस आ चुकी है। आने के बाद फ्रेंड, देखिए, ये जो हमारी ओवरलोड रिले है, इसकी ये स्टॉप पुश बटन है, इसकी स्टार्ट पुश बटन है। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, लेकिन देख सकते हैं आप, हमारी ये स्टार्टर ऑन नहीं हो रही है। हम ये दोनों पुश बटन को दबा के देख ले रहे हैं, जिससे कि आपका डाउट नहीं रहे। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारी ये स्टार्टर है ऑन नहीं हो रही। फ्रेंड्स, आखिरकार हमारी ये स्टार्टर ऑन क्यों नहीं हो रही है, तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, देखिए, जो हमारी इस टाइप की ओवरलोड रिले होती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दूसरे रिले में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे फ्रेंड, देखिए, एक हमारी ये एनओ की पॉइंट होती है, जो कि हमारी 93-94 होती है, और 95-96 जो हमारी होती है एक पॉइंट, ये हमारी एनसी की पॉइंट होती है। तो फ्रेंड, जो हमारी एनसी और एनओ के बीच में क्या होता है, एक हमारे यहाँ पे लूप का इस्तेमाल होता है, जिससे कि हमारा एनसी से सप्लाई एनओ वाले पॉइंट को मिलता है, और यहाँ से जैसे हम इस बटन को प्रेस करते हैं, स्टार्ट पुश बटन को, हमारी सप्लाई क्या होती है, स्टार्टर को मिलती है, और हमारी स्टार्टर चालू हो जाती है। लेकिन यहां पे फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे, जो आपकी ये 95 और 93 के बीच में जो यहां पे लूप लगा हुआ है, ये वाला जो आपका ओवरलोड रिले है, इसमें ये लूप नहीं लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, किसी भी स्टार्टर में जब आपको ऑटो स्विच कनेक्शन करना होगा, तो वहाँ पे 95-93 का लूप नहीं रहेगा। आपको क्या करना होगा, इस लूप को निकालना होगा, उसके बाद ये ऑटो स्विच काम करेगा। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपको बिना ऑटो स्विच से इस स्टार्टर को ऑपरेट करना है, तो मैं आपको वो चीज़ भी यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, ये जो आपकी 95 की पॉइंट रहेगी और 93 की पॉइंट रहेगी, इसमें आपको क्या करना है, एक ऐसे लूप को लगाना है, और लगाने के बाद देखिए, जो हमारी ये स्टार्टर होगी, अब यहाँ से देखिए बिना ऑटो स्विच की यहाँ से ऑपरेट हो जा रही है। वहीं फ्रेंड्स, यहाँ से ऑफ हो रही है, यहाँ से ऑन हो रही है, यहां से ऑफ हो जा रही है। तो फ्रेंड्स, आप यहां पे समझ गए होंगे, मैं इसके लिए आपको ये चीज बता दिया, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। अब फ्रेंड्स, मैं आपको इस ऑटो स्विच का कनेक्शन करके इस स्टार्टर में बताता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पे देखिए, जो हमारी ये ऑटो स्विच है, इसका हमारा टोटल यहां पे 6 वायर है। यहां पे आप देख सकते हैं RYB है, और यहां पे एक व्हाइट कलर का वायर है, एक ग्रे कलर का वायर है, एक हमारा ग्रीन कलर का वायर है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी ऑटो स्विच रहेगी, इसको आपको क्या करना है, पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। उसके लिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, देखिए, जो आपकी ये स्टार्टर कि यहां पे इनपुट सप्लाई रहेगी, ये हमारी इनपुट सप्लाई है, ये हमारी आउटपुट सप्लाई है। फ्रेंड्स, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपके यहां पे इनपुट सप्लाई है RYB, उसी में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अपने इस ऑटो स्विच का जो यहां पे वायर है RYB का, इसको फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसमें कनेक्शन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों वायर का कनेक्शन इसमें कर ले रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने R के साथ R को, Y के साथ Y को, B के साथ B को यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया है। फ्रेंड्स, आपको कनेक्शन करने के टाइम में एक चीज का ध्यान रखना है, आपको जो ये ऑटो स्विच का वायर है, इसको आपको उल्टा कनेक्शन नहीं करना है। मतलब R को R में ही कनेक्शन करना है, Y को Y में ही कनेक्शन करना है। अगर आप इसको उल्टा कनेक्शन कर देंगे, तो वहां पे आपका ऑटो स्विच बराबर काम नहीं करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आप देखिए, जो हमारी ऑटो स्विच है, इसमें हमारे यहाँ पे टोटल 3 वायर बच जाती है, एक हमारी ग्रीन कलर की, एक व्हाइट कलर की, एक हमारी ग्रे कलर की। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, देखिए, जो आपकी ये ऑटो स्विच रहेगी, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रेड, येलो, ब्लू, जो कि RYB लिखी हुई है, जो जिसमें आपको थ्री फेज सप्लाई देना है, जो कि हमने यहाँ पे दे दिए हैं। उसके बाद फ्रेंड, देखिए, यहाँ पे क्या है, ग्रीन, व्हाइट और ग्रे। तो फ्रेंड, जो हमारी ये ग्रीन कलर की वायर है, आपको 95 में यहाँ पे कनेक्शन करना है। तो उसके लिए फ्रेंड, देखिए, जो आपकी ये ओवरलोड रिले है, ये इसकी NC पॉइंट है, ये इसकी NO पॉइंट है। तो जो इसकी ये NC पॉइंट है, ये 96 पॉइंट है, ये हमारा 95 का पॉइंट है, ये हमारा 93 का पॉइंट है, ये 94
का पॉइंट है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वायर में लिखा भी है। अगर नहीं भी लिखा है तो आपको समझना है एनसी में जो फर्स्ट रहेगा 95 होगा, सेकंड रहेगा वो 96 होगा। तो फ्रेंड्स देखिए आपको क्या करना है, ग्रीन कलर का जो वायर है आपको 95 में कनेक्शन करना है। तो देखिए आपको इस वायर को आप यहाँ भी कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड देखिए अगर आपके स्टार्टर में अगर इस तरह का कनेक्टर लगा हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए ये 95 का जो हमारा वायर है वो देखिए यहाँ पर आके हमारा कनेक्टर में लगा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहीं से फिर एक लूप करके हमारी दूसरी वाली कनेक्टर में लगी हुई है। तो अगर आप इस चाहे तो इस ग्रीन वायर को आप इस कनेक्टर में यहां पे भी कनेक्शन कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप इसको यहां पे कनेक्शन करेंगे तो भी ये 95 में ही कनेक्शन होगा, क्योंकि देखिए यहां पे भी 95 का वायर है, यहां पर भी 95 का वायर है। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया है, ग्रीन वायर को यहां पे 95 में कनेक्शन कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्या है, यहां पे व्हाइट और ग्रे कलर है। तो फ्रेंड्स आप यहां पे देख सकते हैं जो हमारी ये 93 की पॉइंट होगी उसमें हमारा व्हाइट कलर का कनेक्शन होगा, और जो 94 का पॉइंट होगा उसमें हमारा ग्रे कलर का कनेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स यहां पे देखिए ये हमारी 93 की पॉइंट है जो कि हमारी एनो स्विच की है। तो इसमें फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको यहां से हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स देखिए जो हमारे यहां पे व्हाइट कलर की वायर होगी ऑटो स्विच की, इसको फ्रेंड्स हम क्या करेंगे 93 के पॉइंट में कनेक्शन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड देखिए जो हमारे यहां पे ग्रे कलर की वायर है इसको हम क्या करेंगे, जो हमारी ये 94 की जो पॉइंट होगी, जो कि हमारी एनो स्विच की 94 की पॉइंट होगी, इसमें फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ग्रे कलर का जो हमारा वायर रहेगा इसको हम इसमें कनेक्शन कर लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे देखिए जो हमारा ऑटो स्विच का 6 वायर था इसको हमने कनेक्शन कर दिया है, 3 वायर को यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है, और 95 में हमने क्या किया है, ग्रीन वायर को कनेक्शन किया है, 93 में व्हाइट का कनेक्शन किया है, 94 में हमने ग्रे कलर का कनेक्शन कर लिया है। अब फ्रेंड्स हम इसको चालू करेंगे और चालू करके देखेंगे कि जो हमारा ये ऑटो स्विच है ये हमारा बराबर काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए ये हमारा ऑन का यहाँ पे सिग्नल आ चुका है ग्रीन कलर का। मैं फ्रेंड्स एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, अगर आपका यहाँ पे रोटेशन उल्टा होगा या अगर आप इसमें कनेक्शन सही से नहीं करिएगा तो जो आपका यहाँ पे लाइट जल रहा है ग्रीन कलर का ये यहाँ पे ब्लिंक होने लगेगा। अगर वहीं फ्रेंड्स सही कनेक्शन होगा तो ये कंटिन्यू वहीं से जलने लगेगा जैसे अभी जल रहा है, अगर रॉन्ग कनेक्शन होगा तो ये ब्लिंकिंग करेगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको ऑटो स्विच के यहाँ पे सेटिंग बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये ऑटो लिखा हुआ है, ये हमारा मैनुअल है, ये हमारा बाईपास है। अगर आप इस स्विच को ऑटो में डालिएगा तो ऑटो में स्टार्ट होगा, बीच में रखिएगा तो मैनुअल में स्टार्ट होगा, और नीचे करिएगा तो क्या होगा, ये ऑटो स्विच से आपका स्टार्टर बाईपास हो जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने क्या किया, यहाँ पे मैनुअल में डाल के रखा है। अब देखते हैं फ्रेंड्स हमारी स्टार्टर मैनुअल में ऑन हो रही है कि नहीं। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए हम जैसे ही चालू कर रहे हैं हमारी स्टार्टर, देखिए यहाँ पे जो मैनुअल में हमने डाल के रखा था ऑटो स्विच को, तो हमारी स्टार्टर यहाँ पे मैनुअल में ऑपरेट हो जा रही है। वहीं फ्रेंड्स हम यहाँ से ऑफ करेंगे तो हमारी स्टार्टर यहाँ पे ऑफ हो जा रही है। उसके बाद फ्रेंड देखिए जो हमारे यहाँ पे बाईपास है, तो अगर आप इस स्विच को नीचे में सिलेक्ट करिएगा तो ये क्या होगा, आपका जो ऑटो स्विच रहेगा ये बाईपास हो जाएगा। मतलब अगर आपका कभी भी ऑटो स्विच खराब हो जाए, अगर ये काम नहीं करे, तो आप इसको बाईपास में डाल के अपने स्टार्टर को आप चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बाईपास में डाल के अपने स्टार्टर को चालू किया तो आप देख सकते हैं हमारी स्टार्टर यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रही है, मतलब स्टार्ट हो जा रही है। फिर यहाँ से ऑफ करें, यहाँ से ऑन कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे मैनुअल और बाईपास का यहाँ पे सेटिंग समझ लिया है। अब फ्रेंड्स मैं बताता हूँ आपको ऑटो का सेटिंग। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे बीच में कर देना है। करने के बाद सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा सेटिंग समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ऑटो में डाल के दिखाऊंगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑन डिले लिखा हुआ है जो कि हमारा ऑटो का सेटिंग है। आप यहाँ पे फ्रेंड ध्यान से देखिएगा तो आपको 0.5 मिनट से लेके 5 मिनट तक आपको इसमें टाइमिंग मिल जाएगा। आपको फ्रेंड जो यहाँ पे रेड कलर का जो दिख रहा होगा घड़ी जैसे, आप इसको जितना मिनट पे रखना चाहते हैं आप यहाँ से इसको आसानी के साथ ऐसे घुमा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आप अगर अपने स्टार्टर को 1 मिनट बाद चालू करना चाहते हैं सप्लाई आने के बाद, तो आप इसको 1 मिनट पर रख सकते हैं, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना पे रख सकते हैं उतना टाइम के बाद ही आपका स्टार्टर ये ऑटो स्विच स्टार्ट करेगा। तो फ्रेंड्स आप ये वाला सेटिंग समझ गए होंगे, ये हमारा ऑन डिले का सेटिंग है। मतलब जब आप इसको ऑटो में डाल दीजिएगा और जितना टाइम सेट करिएगा तो जब आपका सप्लाई आएगा तो उतना मिनट के बाद आपका स्टार्टर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इसको जो हमारा 0.5 मिनट यहाँ पे सेटिंग है इस पर हम क्या कर रहे हैं, डाल के रख रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, अपने इस स्विच को यहाँ से ऑटो कर देंगे। ऑटो करने के बाद फ्रेंड्स देखेंगे कि जो हमारी ये समर्सिबल स्टार्टर है ये ऑटोमेटिक 30 सेकंड के अंदर चालू हो रही है कि नहीं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी ये समर्सिबल स्टार्टर है ये हमारी ऑटोमेटिक चालू हो चुकी है, जो कि हमने यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट करके रखा हुआ है यहाँ पे 30 सेकंड। तो जैसे ही हमारा 30 सेकंड पूरा हुआ हमारा समर्सिबल स्टार्टर यहाँ पे क्या हुआ, ऑटोमेटिक चालू हो गया। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे मैनुअल का भी सेटिंग बता दिया हूँ, बाईपास भी बता दिया हूँ, और ऑटो में भी कैसे चलाना है अपने स्टार्टर को वो चीज़ भी इसमें बता दिया हूँ। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से अपने समर्सिबल स्टार्टर में ऑटो स्विच का कनेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ।
फ्रेंड्स, अगर आप इस कनेक्शन को कहीं पे भी नहीं समझ पाए हैं तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे जरूर हेल्प करूँगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।